फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Realme C63 Android मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन की स्टोरेज को आप खाली कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको अपने मोबाइल फोन का स्टोरेज खाली करना है तो सबसे पहले मोबाइल फोन की गैलरी को ओपन करना है, ठीक है। अब देखिए, गैलरी के अंदर आपकी जितनी फालतू की फोटो वीडियो आपने रख रखी है ना, सारी की सारी फालतू की फोटो वीडियो आपको परमानेंट डिलीट करनी है, जिससे आपके फोन का स्टोरेज खाली हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, अगला काम ये करना है, आपके मोबाइल फोन में जितने भी फालतू के ऐप्स हैं, यानी कि जिन ऐप्स को आप अपने फोन में इस्तेमाल नहीं करते ना, उन सभी फालतू के ऐप्स को अनइंस्टॉल करना है, इससे फोन का स्टोरेज खाली होता है, ठीक है। अब देखिए, अगला काम ये करना है कि आपके मोबाइल फोन में ना काफी सारे ऐसे ऐप्स होते हैं जिनके अंदर आपको ना बैकअप सेटिंग मिल जाएगी, ठीक है। तो जिस ऐप के अंदर आपको बैकअप सेटिंग मिलती है ना, उन सभी ऐप में बैकअप सेटिंग को आपको बंद करना है। यहां पर मैं आपको समझाने के लिए, एग्जांपल के लिए, मैं अपने फोन की गैलरी को ओपन करता हूं। गैलरी में देखिए, सबसे ऊपर एक प्रोफाइल पिक्चर होती है, प्रोफाइल पिक्चर पे टैप करना है, आपका एक ये पेज आता है। इसमें देखिए बैकअप की सेटिंग है, तो बैकअप इज ऑफ लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने इस ऐप की बैकअप सेटिंग को यहाँ पे पहले से बंद करके रखा हुआ है। अगर आपकी बैकअप सेटिंग यहाँ पे चालू रहती है ना, तो इसके ठीक नीचे ऑफ का बटन होगा या फिर डू नॉट बैकअप लिखा होगा, उसे टैप करके बैकअप सेटिंग इसी तरीके से आपको बंद रखनी है। इसी तरीके से आपको और भी जिस ऐप के अंदर आपको बैकअप सेटिंग मिलती है ना, उन सभी ऐप में भी बैकअप सेटिंग को इसी तरीके से बंद रखना है, ठीक है। अब देखिए, आखिरी काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए, मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए, सबसे ऊपर सर्च बार पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में यहाँ पे ना रीसेट आपको लिखना है, ठीक है। तो आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा इरेज ऑल डेटा, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको इरेज ऑल डेटा का ऑप्शन दोबारा टैप करेंगे ना, तो इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी, यानी कि फोन का स्टोरेज खाली हो जाएगा। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है कि आपके मोबाइल फोन में जो भी बाकी का बचा हुआ डेटा है ना, उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये दो काम पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपके फोन का स्टोरेज खाली हो जाएगा, ठीक है ना।